हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अवैध हथियारों के साथ 3 गिरफ्तार, लग्जरी कार जब्त, सभी आरोपी आले दर्जे के बदतमीज। जिले की ग्रामीण पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया। वो एक लग्जरी वाहन में परिवहन कर रहे थे। उनके खिलाफ जाम्बा पुलिस थाना में आर्म्स एक्ट के केस दर्ज किए गए हैं। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राहुल बारट ने बताया कि लॉकडाउन के चलते अवांछनीय गतिविधियों पर रोकथाम के लिए पुलिस की टीमें लगा रखी हैं। अवैध हथियार धरपकड़ व तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान व कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लॉकडाउन की सख्ती से पालना में गश्त के दौरान लक्ष्मी नारायण शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फलौदी व वृत्ताधिकारी पारस सोनी के निर्देशन में जाम्बा थाना अधिकारी पूर्णमा राम में जाप्ता जाम्बा की ठाणी से गोदावरी की ठाणी जाने वाली रोड के साइड में ग्रेवल सड़क पर गश्त कर रहे थे। इस दौरान एक सफेद रंग की MH पासिंग कार नजर आई, जिसमें बैठे दो शख्स पुलिस जीप को देखकर भागने लगे, लेकिन पुलिस जाप्ता द्वारा 2-3 किलोमीटर पीछा कर वाहन व वाहन में बैठे व्यक्ति को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर मुलजिमानों की पैंट की जेब में एक पिस्तल व 7.63 mm के 2 जिंदा कारतूस मिले। इस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। उक्त मुलजिमान आले दर्जे के बदतमीज प्रवृत्ति के हैं, जो कि पुलिस थाना फलौदी व मतोड़ा में भी लूट, आगजनी, तोड़फोड़ के प्रकरणों में वांछित चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रामू की ठानी लोहावट निवासी फरसा राम पुत्र मोहन राम विशोई, रोमन उर्फ विकास पुत्र पूना राम विशोई और हंसा देव लोहावट निवासी कैलाश पुत्र चंपालाल विशोई है। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।